ओके तो फिर तुम लोगों ने कहीं से जगह सुना होगा या फिर तुम लोगों ने कहीं कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा होगा या फिर तुम लोगों ने न्यूज़ में कहीं सुना होगा कि 5G के ट्रायल की वजह से नीदरलैंड में कई सारी बर्ड्स मर चुकी हैं और USA में एक हाई फ्रीक्वेंसी 4G टावर की वजह से 4 बच्चों को विदिन 2 ईयर्स कैंसर हो गया था। उसके अलावा यूरोप में कई जगह 5G के ट्रायल्स को बैन कर दिया गया क्योंकि उनकी गवर्नमेंट को कंसर्न है कि इससे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैंसर वगैरह सीधे सीधे बोला जाए तो। तो फिर ये सुनने को तुम लोगों को लगा कि अब 5G एक्चुअली में डेंजरस है क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया USA में तो ये आने ही वाला है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया USA से नहीं करे, अगर ये एक्चुअली डेंजरस होता तो फिर वो लोग इसे बैन कर देते। अब देखो ये 5G डेंजरस नहीं है, तुम्हारा फ़ोन डेंजरस नहीं है, कुछ भी चीज़ डेंजरस नहीं है, पर इसके पीछे जो लोग इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके लिए उनके पास एक कारण है और वो कारण है कि उनके उनको लगता है कि IARC यानी कि इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ कैंसर रिसर्च ने ये बोला है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज हैं या फिर जो रेडिएशन वगैरह जो आपके स्मार्टफोन से आती है वो पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है, यानी कि इस रेडिएशन से पॉसिबल है कि इससे कैंसर हो सकता है, बट इसका कोई भी अभी पुख्ता सबूत नहीं है। जबकि अगर आप सोचोगे कि अच्छा अगर ये वाली एजेंसी ऐसा क्या है, ऐसा हो सकता होगा, पर एक मिनट रुको, ये जो कैटेगरी है पॉसिबली कैंसरजेनिक यानी कि जिससे कैंसर हो सकते हैं, उसके ना कई सारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली ऑब्जेक्ट्स भी आती है, जैसे कि कॉफ़ी, कॉफ़ी भी कैंसर दे सकते हैं तुम्हें, उनके लिस्ट के अंदर कॉफ़ी भी आता है उसी सेम कैटेगरी के अंदर जिसके ना 5G रेडिएशंस या फिर 4G रेडिएशंस आती हैं। तो फिर अब तो ये बात साफ़ हो जानी चाहिए कि क्या ये एक्चुअली डेंजरस है। अब देखो, अब तुम लोग सोचोगे चलो कॉफ़ी से भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, तो फिर कि इसका क्या प्रूफ है? उन्होंने तो कहा है कि पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है या फिर पॉसिबल है कि इससे कैंसर हो जाए। और एक और बात, मैं ये वाला पार्ट रिकॉर्ड करना भूल गया था कि नीदरलैंड में जो बर्ड्स मरी थी वो 5G की रेडिएशन की वजह से नहीं मरी है, उन पर रिसर्च की गई उनके बॉडी का, मतलब देखा गया क्यों मरे, तो फिर ये पता चला कि उन्होंने पॉइजनस खाना खाया था इसलिए वहाँ पर बर्ड्स मरने लगी थी। अब देखो कैंसर या फिर कोई भी ऐसी डिजीज़ किसी भी रेडिएशन से आपको मतलब इफ़ेक्ट करने के लिए, उसके लिए जो रेडिएशन जिस पे आप एक्सपोज होंगे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि क्या स्मार्टफोन सेफ़ है या फिर क्या स्मार्टफोन रेडिएशन से एक्चुअली कैंसर हो सकता है, तो उसमें भी मैंने कहा था कि अलग अलग टाइप की रेडिएशन होती है, गैमा वेव्स जिससे तुम्हें खतरा है, अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर एक्स रेज। अब एक्स रेज से थोड़ा बहुत खतरा है, गैमा वेव्स तभी तुम्हें एक्सपोजर मतलब तुम्हें गैमा वेव्स का तभी एक्सपोजर मिलेगा जब तुम स्पेस में जाओगे बिना स्पेस सूट के या फिर तुम किसी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के काफ़ी ज़्यादा पास खड़े हो, तो उन केसेस में तुम्हें गैमा वेव्स का एक्सपोजर मिलेगा। अब अगर तुम यूवी की बात करो तो फिर कई लोग कहते हैं कि सनरेज में ज़्यादा मतलब सूर्य धूप में ज़्यादा रहने से अगर आपकी स्किन वीक है तो फिर तुम्हें स्किन कैंसर हो सकता है, तो वो भी हो सकता है, पर उसके लिए जो यूवी रेव्स की जो मतलब यूवी वेव्स जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 30 मिलियन गीगाहर्ट्ज़ से भी ज़्यादा की हो सकती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल वेव्स होती हैं। जबकि अगर आप देखो अपने 5G या फिर 4G को, अभी अगर आप 4G की बात करो तो फिर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करते हैं जबकि 5G 300 गीगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करेगा, 30 मिलियन से बहुत दूर है ये। तो इससे सीधी सीधी बात यही प्रूफ हो जाती है कि 5G या फिर कोई सी भी टाइप की स्मार्टफोन रेडिएशन अभी के लिए तो सेफ है, पॉसिबल है कि उसे कैंसर होगा, लेकिन कॉफ़ी के कप से तुम्हें कैंसर हुआ है कभी? हो सकता है हुआ हो बट वैसे काफ़ी कम केसेस होते हैं, वैसे होता ही नहीं है जनरली। तो फिर अगर तुम्हें अभी तक ये वीडियो लॉजिकल लगी या फिर अच्छी लगी तो फिर सब्सक्राइब करते रहना क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो उसी तरह से फ़ोन के भी मतलब फ़ोन से भी कैंसर होने के बहुत कम चांसेस। अब तुम लोग सोचोगे जो USA में 4 बच्चों का होगा उनका क्या होगा, तो हो सकता है कि उनके बॉडी के अंदर वो जो मतलब जो वो था उसका वो इफेक्ट हुआ हो, बट हो सकता है कि उसका वाला पार्ट वीक हो सकता है, ऐसा ये नहीं है कि वो पक्का कैंसर हो सकता है, उसका उस एरिया में ही उनके मतलब पानी में फिर हवा में कुछ ऐसा हो जिससे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा पक्का ही कुछ ना कुछ होना होता तो फिर वहाँ के हर एक बच्चे को नहीं होता कैंसर। तुम ही सोचो सिर्फ 4 बच्चों को हुआ विद इन 2 ईयर्स, हो सकता है कि उनका ना कुछ वीकनेस हो इसलिए उनको वो उससे इफेक्ट हुआ, या फिर हो सकता है वहाँ के पानी में कुछ गड़बड़ हो जिस चीज़ का इतना इम्यून नहीं है कि उन्हें इससे दिक्कत हुई है। अब कई लोग इस वीडियो पे कमेंट्स में डालने वाले कि नहीं 5G सेफ़ नहीं है, तो फिर वो यार तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्पेक्ट्रम देखो जो तुम्हारे सामने फिर से मैंने डाला है अभी अभी, इसके अंदर जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है यानी जिनसे तुम्हें खतरा है वो इतनी दूर है जो कि अभी माइक्रोवेव्स और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एकदम ही कोने में उनसे तुम्हें बिल्कुल भी खतरा नहीं है, वो आयनाइजिंग बिल्कुल भी नहीं है, आयनाइजिंग के लिए गामा है और वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। तो फिर सीधी बात है 5G और इन सब से तुम्हें कोई खतरा नहीं है, स्मार्टफोन रेडिएशन से भी नहीं है, वो वाली वीडियो मैंने इंग्लिश में पहले भी बना रखी तुम जाके देख सकते हो।
आज के वीडियो के लिए इतना ही। और वैसे हिंदी में पहली बार मैं ट्राई करूँ तो फिर आप बता दो हिंदी में तुम लोग कंफर्टेबल हो गए, क्योंकि होप करता हूँ तुम्हें सब समझ आ गया होगा कि एक्चुअली 5G क्यों नहीं सेफ है, क्यों सेफ है एक्चुअली, क्यों नहीं सेफ है। उसके लिए भी मैंने तुम्हें कारण बता दिया कि क्यों लोग कह रहे हैं कि सेफ नहीं भी हो सकता है, पर अभी के लिए तो कोई रिस्क नहीं, तो पोटेंशियल रिस्क कुछ है।